हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्टेंस टू एक्सप्लोर शॉर्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो, जिसको फेज 3 भी बोलते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो भी बोलते हैं और एक्वा लाइन भी बोलते हैं, इस मेट्रो का मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखाने वाला हूँ, इसका फैसिलिटीज़ बताने वाला हूँ, इसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। ये देखिए, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डोर मिल जाता है, जैसे कि हर मेट्रो में ऑटोमेटिक डोर होता है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले इंडिकेटर, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, प्रीवियस स्टेशन कौन सा था, ये सब चीज़ आपको अभी देखने मिल जाएगा। ये देखिए, डोर बंद हो गया ऑटोमेटिकली। बाकी देखो, यहाँ पे स्टॉप मिल रहा है, स्टॉप यहाँ पे मेंशन हो रहा है। अभी सांता क्रूज हमने स्किप किया है, अभी नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है बांद्रा कॉलोनी। ये देखिए, पूरा रूट है। अभी फ़िलहाल इसको चालू किया गया है RAJBLR से BKC तक के लिए। बाकी इसके फ्यूचर स्टेशन देखो, ये होने वाले हैं कॉर्पोरेट तक के लिए, आप देख लेना। BKC के बाद आएगा धारावी, शीतला देवी, और बाकी स्क्रीन पे आप स्टॉप करके देख लेना। बाकी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए ये मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ये रॉड मिल जाएगा सपोर्ट के लिए। बाकी यहाँ पे इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है, इंटरकॉम दिया हुआ है, जिससे आप ड्राइवर से बात कर सकते हो कोई भी टाइप का, अगर आपको इमरजेंसी होता है तो। बाकी ये देखिए, एक बार वीडियो स्टॉप करके देख लेना टाइमिंग्स वगैरह इसके। बाकी जैसे दिल्ली मेट्रो में चार्जिंग पोर्ट दिया होता है ना, दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, वैसा मेट्रो में चार्जिंग पोर्ट है ही नहीं यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हैंडीकैप के लिए व्हील चेयर का भी जगह दिया गया है। यहाँ पे आपका व्हील चेयर आप रख के फिर आप उसको बेल्ट से बांध सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी दिया हुआ है, बाकी मेट्रो में है क्या पता नहीं, बट मुंबई मेट्रो में दिया हुआ है। बाकी और एक चीज़, ये मेट्रो लाइन एक्वा लाइन 3 फुल्ली अंडरग्राउंड होने वाला है, एक भी स्टेशन मतलब ऊपर नहीं है, सब अंडरग्राउंड ही है। बाकी खाली जो JBLR का स्टेशन है वही सिर्फ अपर साइड में बना हुआ है, फिर वहाँ से अंडरग्राउंड चालू हो जाता है। बाकी ये देखिए, और एक स्टेशन आ गया है बांद्रा कॉलोनी। फिर यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ये भी इंडिकेटर ही है, मुंबई मेट्रो लाइन 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइमिंग है, डेट है, सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। बाकी ये एक कोच से दूसरे कोच में यहाँ से एंटर हो जाओगे। एक ये चीज़ अलग अलग है यहाँ पे, मतलब बाकी ट्रेन में ना सिलिकॉन सिस्टम होता है, ट्रेन जब उड़ती है उसके लिए, बट यहाँ पे ये सिस्टम दिया हुआ है, थोड़ा अलग है। बाकी इधर भी आपको हैंडल मिल जाता है सपोर्ट के लिए। बाकी देखो, यहाँ पे भी सेफ्टी मेजर्स लिखे हुए हैं, मतलब कैसे दरवाज़ा ओपन करना है, इमरजेंसी में कैसे क्या करना है, सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी ये मेट्रो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसका टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 6:30 बजे JBLR से फर्स्ट रन होता है और रात को 10:30 बजे इसका लास्ट रन होता है, तो ये इसका टाइमिंग होने वाला है। बाकी ट्रेन का अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 6 मिनट और 8 मिनट अभी फ़िलहाल फ्रीक्वेंसी है ट्रेन का, 6 मिनट और 8 मिनट में ट्रेन आ जाता है। बाकी इन फ्यूचर जैसा इसका डिमांड बढ़ेगा वैसे इसको और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, जवाब दे दूंगा सबका। मिलता हूँ जल्दी आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।